पर्चा दीजिए साथियों। मोतिहारी में आज बहुजन क्रांति मोर्चा की परिवर्तन यात्रा, ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा मोतिहारी में आकर पहुंची। साथियों, 26 जून 2019 को जम्मू कश्मीर से ये परिवर्तन यात्रा निकली थी। मोतिहारी में आज इस यात्रा को पूरे 4 महीने हो गए। 4 महीने से ये परिवर्तन यात्रा लगातार जारी है। ये लड़ाई हम लोग लगातार जारी रखे हुए हैं और किसी भी परिस्थिति में इसको हम रोक नहीं रहे। रोकने की दुश्मन बहुत सारी कोशिश कर रहा है, मगर हर हालत में, हर स्थिति में ये परिवर्तन यात्रा लगातार हम लोग जारी रखे हुए हैं। 26 जून से जब जम्मू कश्मीर से ये परिवर्तन यात्रा निकली तो पंजाब आए, पंजाब से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड से दोबारा उत्तर प्रदेश, और अभी बिहार में चल रही है 21 तारीख से, और ये 30 तारीख तक चलेगी। उसके बाद बंगाल, बंगाल से झारखंड, झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, तेलंगाना 13 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेगी। 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए यात्रा स्थगित रहेगी। 1 जनवरी 2020 से ये परिवर्तन यात्रा दक्षिण भारत में कर्नाटक से शुरू होकर आंध्र प्रदेश जाएगी, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जाएगी, तमिलनाडु से केरला जाएगी, केरला से इसका आखिरी पड़ाव कन्याकुमारी होगा। ये इसके पहले चरण का आंदोलन है। दूसरे चरण का आंदोलन शुरू होगा गुजरात से गुवाहाटी, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलने वाली यात्रा है, और गुजरात से गुवाहाटी पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ चलने वाली यात्रा होगी, और ये दोनों मिलाकर 360 लोकसभा में पहुंचेगी। 140 लोकसभा में ये परिवर्तन यात्रा हमारे राष्ट्रीय स्तर के दूसरे पदाधिकारी पहुँचाए, तो टोटल 500 लोकसभा में ये परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। साथियों, देश में 543 लोकसभा हैं, 43 लोकसभा ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में हैं, इसलिए वहाँ जाना बहुत सारी समस्याएं होने की वजह से वहाँ हम नहीं जा रहे हैं, मगर बाकी 500 लोकसभा में जा कर के ईवीएम का भंडाफोड़ कर रहे हैं, ईवीएम का पर्दाफाश कर रहे हैं, और ईवीएम वोटों का घोटाला कैसे करता है इसके बारे में सारे सबूतों के साथ बात कर रहे हैं। साथियों, इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा आज तक बैकवर्ड क्लास के किसी संगठन के द्वारा नहीं चलाई गई आजाद भारत। उसकी बड़ी वजह, वे बैकवर्ड क्लास का कोई संगठन राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, इस बात को जानने की बहुत जरूरत है। कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है, और जब राष्ट्रीय स्तर का उनके पास संगठन नहीं है तो वो इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा नहीं निकाल सकते। जब 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो वामसेव संगठन 13 स्टेट में 140 जिलों में था। अभी ये संगठन 31 राज्यों में, 542 जिलों में, 3,500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में, 1.5 लाख गाँव में पहुंचा हुआ है। पिछले साल हम लोगों ने 21 करोड़ रुपया निधि इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए इकट्ठा किया, लोगों से इकट्ठा किया, टाटा बिरला अंबानी से नहीं, अपने लोगों से इकट्ठा किया, और
2400 जाति के कार्यकर्ता, दो टोटल ब्राह्मणों ने हमारे लोगों के 6000 टुकड़े किए जाति के, 6000 जाति के टुकड़ों में से 2400 जाति के कार्यकर्ता आज हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। उनको इस बात की समझ पैदा हो गई है कि अकेले अकेले लड़ेंगे तो पीटे जाएंगे, पिटाए जाएंगे, और मिलकर लड़ेंगे तो जो दुश्मन हमारी पिटाई कर रहा है हम उनकी पिटाई करने लायक हो जाएंगे। तो 2400 जाति के कार्यकर्ता आज हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट हमने रखा हुआ है, मगर समाज के लोगों ने हम लोगों को इतना साथ सहयोग और समर्थन दिया, इतना साथ सहयोग और समर्थन दिया कि अभी तक एक नया पैसा समाज ने खर्चा नहीं होने दिया। सारा का सारा खर्चा समाज के लोगों ने किया, एक नया पैसा हमारे लोगों ने खर्चा नहीं होने दिया। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 60 लाख रुपया ऊपर से निधि दे दिया, जैसे अभी ये निधि दिया, ऐसे हर जगह लाखों रुपए का निधि लोग दे दिए। तो 60 लाख रुपए का निधि ऊपर से दे दिया, सारा का सारा खर्चा लोगों ने उठाया, खाने पीने का खर्चा लोगों ने उठाया, पीने का मतलब है पानी पीने का, नहीं तो हमारे लोग समझने में बहुत होशियार है, कहीं वामन मेश्राम को सलाह पौवा तो नहीं पिला रहे हैं, इसलिए मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग यहाँ से निकलते ही प्रचार शुरू कर दोगे, अरे वामन मेश्राम तो पौवा भी पीता है भाई, जाहिर रूप से कबूल किया, ऐसा भी आप लोग प्रचार शुरू कर सकते हो, क्योंकि हमारे लोगों के मुंह को ढक्कन थोड़ी है, वो बहुत खुला रहता है। इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ, गाड़ियाँ चल रही है, तेल चाहिए, ए मंच चाहिए, माइक चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए आप लोगों को बैठने के लिए, प्रचार चाहिए, प्रसार चाहिए, पंपलेट चाहिए, वॉल पोस्टर चाहिए, बहुत सारा खर्चा है। ये सारा का सारा खर्चा समाज के लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये सारा का सारा खर्चा कर रहे हैं, हम तो केवल लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं समाज का बहुत ज्यादा आभारी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मेरे समाज ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई, इतना बड़ा जिम्मेदारी उठाने का काम मेरे समाज ने किया, ये बड़ा काम है, और इससे एक संकेत मिल रहा है कि हमारा समाज अब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो पैसे के लिए टाटा बिरला अंबानी के पास नहीं जा रहा है। अपना पैसा, अपनी बुद्धि, अपना हुनर, अपना समय, अपना हुनर लगा रहा है, और ताकि अपनी आजादी की लड़ाई खुद अपने बलबूते पर लड़ी जा सके। इसके लिए मैं समाज के लोगों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथियों, ये जो बड़ा आंदोलन चल रहा है, बड़ा अभियान चल रहा है, इसके दो बड़े मकसद है। पहला मकसद है, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने हमारे लोगों को, भारतीय लोगों को गुलाम बनाने के लिए हिंदू और मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा था, मगर अंग्रेज आने के पहले ब्राह्मण यूरेशिया से भारत में आए, जैसे अंग्रेज इंग्लैंड के रहने वाले लोग हैं वैसे ब्राह्मण यूरेशिया के रहने वाले लोग हैं, और वो भारतीय लोग नहीं है। डीएनए के अनुसार ये बात फाइनली प्रूव हो गई है कि ब्राह्मण यूरेशियन लोग हैं, जैसे अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे वैसे ब्राह्मण यूरेशिया काला सागर के पास है, वहां से आए हुए लोग हैं। डीएनए के अनुसार ये फाइनली प्रूव हो गया है, इसलिए ये बात आप लोगों को समझ में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ब्राह्मण यूरेशिया से आए तो इन लोगों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, 1700 जातियां शेड्यूल कास्ट की है, 800 से ज्यादा आदिवासी के टुकड़े हैं, 3743 जातियां पिछड़े वर्ग की हैं, गिनती करो 6000 से कम नहीं ज्यादा ही है। एक आदमी ने मुझे पूछा कि मेश्राम जी बताओ, अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे या ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक है?
तो मैंने उसको कहा मैं गणित करके बताता हूं। अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए, ब्राह्मणों ने 6,000 टुकड़े किए, तो 2 से 6,000 का भागाकार कर लो, 2 से 6,000 का भागाकार कर लो तो आंकड़ा निकलता है 3,000 का। ब्राह्मण अंग्रेजों से 3,000 गुना ज्यादा खतरनाक है। तुम खुद भी गणित करके देखो, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण अंग्रेजों से 3,000 गुना ज्यादा खतरनाक है। एक और उदाहरण देता हूं, मोतिहारी के आसपास जो गांव देहात है, आप लोगों ने कभी सुना कि ब्राह्मण खेती में हल चलाता है? सुना है? नहीं सुना? ईमानदार लोग, क्योंकि मैं भी देहात का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं ब्राह्मण कभी हल नहीं चलाता है, ब्राह्मण कभी मेहनत का काम नहीं करता है। जहां पसीना निकलता हो ऐसा कोई काम ब्राह्मण नहीं करता, कभी नहीं करता है। ब्राह्मण कभी हल नहीं चलाता है, यह बात सही है। क्यों नहीं चलाता है यह आपको मालूम नहीं है। ब्राह्मण इसलिए हल चलाता नहीं है क्योंकि हम बुर्बक लोग हल चलाने के लिए उसके लिए तैयार है, तो ब्राह्मण को हल चलाने की क्या जरूरत। हम हल चलाते हैं, फसल पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, पैसा कमाते हैं, पसीना बहाते हैं, और जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हमारा आदमी पंडित जी के घर में जाता है, पंडित को कहता है पंडित जी हमारे घर में बिटुआ पैदा हो गया, क्या नाम रखे? अबे पैदा किया तो नाम भी रख ले, पैदा किया तो नाम भी रख ले। हमने कहा पैदा किया तो नाम भी रख ले, कहता नहीं नहीं पैदा करना आसान काम है, नाम रखना बहुत कठिन है, पैदा करना बहुत आसान काम है और नाम रखना बहुत कठिन है। तो पंडित जी के पास जाके पूछता है पंडित जी क्या नाम रखे? पंडित पूछता है कब पैदा हुआ? बुधवार को पैदा हुआ। अच्छा बुधवार को पैदा हुआ, बुद्धू राम रख दे। तो हमारा आदमी उसको पंडित को पूछता पंडित जी बुद्धू राम का है ना? हाँ हाँ बुद्धू राम का है। अच्छा तो लगता है नाम, बढ़िया लगता है बुद्धू राम। अब हमारे आदमी को शब्दों के कोई अर्थ तो समझ में आते है नहीं। अरे बुद्धू राम का मतलब होता है बुर्बक राम, गधा राम, मूरख राम। तो हमारे आदमी को शब्दों के कोई अर्थ समझ में आते है नहीं, और इसी का खेल वो खेलते रहता है। हमारे घर में कोई भी संस्कार करता है तो संस्कृत में सब कुछ मंत्र बोलता है, हमारा आदमी देखता है समझ क्या बोल रहा है भाई। उसका कोई बहुत जगह गाली होता है हम लोगों को, मगर हमें समझ में कुछ आता है नहीं। हम लोग बोलते हैं कोई पवित्र वाणी लगती है, कोई ब्रह्मा की वाणी है पवित्र। हमारे लोगों को पूर्वक लोगों को हमें समझ में तो कुछ आता है नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था संस्कृत में, भिक्षुओं को कहा था संस्कृत में प्रचार मत करना, लोगों की भाषा में अपने धर्म का प्रचार करना, ताकि लोग जागृत हो सके, लोगों को मालूम हो सके कि हम क्या कह रहे हैं। साथियों तो हमारा आदमी कहता है बुद्धू राम अच्छा नाम है, पंडित जी क्या कितना पैसा दक्षिणा दे? पंडित कहता 1,001। पंडित कभी 1,000 नहीं बोलता, उसका दक्षिणा कैसे होगा? 1,151 रुपया, 21 रुपया, 101 रुपया, 501 रुपया, 1,001 रुपया, साला 1 जरूर ऊपर रखता है। हमारे लोगों को आज तक पता नहीं है साला 1 ऊपर क्यों रखता है। 1 इसलिए रखता है 1,001, इसका मतलब 1,000 तो गारंटी से मिलना चाहिए, 1,000 तो गारंटी से मिलना चाहिए।
तो जब हमारा आदमी घर में उसके 1000 रुपया देकर आता है, उसको हल चलाने की जरूरत है? हम बुड़बक लोग ना है, हल चलाने की जरूरत है? उसके घर में देकर आते हैं, और ऐसे बहुत सारे बुड़बक होते हैं उसके घर में देकर आते हैं। हमारा आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है, मगर वो अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर नहीं पाता, मगर वो बढ़िया तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। साथियों, ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं। एक उदाहरण है सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण कितना खतरनाक। पहला उदाहरण दिया 6000 जाति का, दूसरा उदाहरण दिया हल नहीं चलाता है, तीसरा बड़ा उदाहरण देता ब्राह्मणों की संख्या 3.5%। 3.5% भारत में ईमानदारी से किसी गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव हो, अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो 3.5% ब्राह्मण गांव में पंच नहीं चुनवा सकते। लिख के देता हूं, जो ब्राह्मण गांव में पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो गांव में सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। नॉमिनेट करना हमारे लोगों को अर्थ समझ में नहीं आता। मैं आपको देशी भाषा में थोड़ा समझाता हूं नॉमिनेट करने का अर्थ क्या होता है। पहले मैं महिलाओं से माफी चाहता हूं अर्थ समझाने के लिए। गांव में शादी होती है तो हमारा आदमी परिचय करवाता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दूसरा आदमी पूछता है, ये खड़ी है ये कौन है, काहे ऐसी रखी हुई है, ये ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री। नॉमिनेट किया आपको समझ में नहीं आया, देसी उदाहरण दिया तो आपको समझ में आ गया। भाषण से ज्यादा महत्वपूर्ण है बात भेजे में घुसना, समझना ज्यादा जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण। ए ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, और इसलिए नरेंद्र मोदी ने पहला फैसला किया ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो। ओबीसी के लिए एक नया पैसे का बजट नहीं दिया, ओबीसी के बच्चे को वजीफा स्कॉलरशिप मिलती थी रद्द कर दिया। 314 बच्चे आईएएस पास हो गए थे, आईपीएस पास हो गए थे, लिस्ट रद्द कर दिया। ओबीसी का ओबीसी के ही विरोध में फैसले कर रहा है, स्वाभाविक लगता है? स्वाभाविक नहीं। तो फिर क्यों कर रहा है? इसका मतलब यह है, उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, गधे से गधे आदमी को उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो, उसको कहो एक कुल्हाड़ी से अपना दाया पैर काट दो, तो गधा आदमी क्या कहता है मतलब? गधा जरूर हो मगर इतना गधा नहीं हूं कि अपने हाथ से अपना पैर काट दूंगा। गधे को भी इतनी अकल होती है, नरेंद्र मोदी को अकल नहीं है। नरेंद्र मोदी को भी अकल है, मगर हमारे जैसी अकल रखेगा तो प्रधानमंत्री ब्राह्मण बनाएंगे उसको। ब्राह्मण के इशारे पर काम करेगा तब न ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनाएगा। रामायण में एक ब्राह्मण राम को आदेश देता है, उसके बाद राम शंभु की हत्या करता है। हमने लिखा नहीं, ब्राह्मण ने लिखा है, लिखा हुआ उदाहरण हमारा नहीं है, ब्राह्मण का लिखा हुआ है। तो ब्राह्मणों को राम की तरह राजा चाहिए, इसलिए कहता राम राज आना चाहिए। अबे राम राज का मतलब तो समझ ले, शंभुक की हत्या जहां हो सकती है उसको कहते राम राज। शंभुक की हत्या जहां होगी उसको कहते राम राज। और अगर शंभुक ओबीसी है, अगर शंभुक शूद्र है, तो फिर क्या यही रामराज ओबीसी को चाहिए?
और अभी मैं उत्तर प्रदेश से आया, 182 बैकवर्ड क्लास के लोगों की हत्याएं, 182, उसमें सबसे ज्यादा संख्या यादव, कुर्मी, कोयरी, अहिर, अहिर मतलब यादव, और पाल, गडरिया, मौर्या, कुशवाहा, ये लोगों को मारा। लिस्ट है हमारे पास सारी की सारी। तो अगर राम को क्षत्रिय माना जाए तो योगी भी क्षत्रिय है। राम ने शंभू की हत्या की और योगी वही कर रहा है, तो योगी बढ़िया मुख्यमंत्री है ब्राह्मण के लिए, ये समझो, इसको समझना जरूरी है। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए उदाहरण देके समझा रहा हूं, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, उदाहरण कंपेयर करके समझा रहा हूं। चंपारण में गांधी जी आए थे, गांधी जी ने ये नहीं बताया हुआ जो मैं बता रहा हूं। चंपारण में गांधी जी आए थे और गांधी जी ने आप लोगों को ये सच नहीं बताया था। गांधी जी तो भूल की गोली देने वाला जादूगर थे, भूल की, और बहुत सारे हमारे लोग भूल की गोली खाकर गांधी जी को आजादी के आंदोलन में साथ दिया और गांधी जी के आंदोलन से ब्राह्मण आजाद हो गए हमारे समर्थन से। और ब्राह्मण जब आजाद हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम का ब्राह्मण आजाद भारत का प्रधानमंत्री हो गया। लोग कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा। हमें साले अपने सगे चाचा को चाचा नहीं कहते, हम लोग अपने सगे चाचा को चाचा नहीं कहते, मगर नेहरू को जरूर चाचा कहते हैं। हमारे लोगों को जानकारी है, ज्ञान नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं, अरे ज्ञान बहुत बड़ी बात है, जानकारी नहीं है। जानकारी और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर होता है, जानकारी नहीं है। और इसलिए जिन लोगों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, जाति के टुकड़ों में, बुद्ध कहते हैं जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। चलो प्रयोग करके दिखाता हूं, प्रयोग करके दिखाता हूं, अब प्रयोगशाला नहीं है, उंगलियों पर प्रयोग करके दिखाता हूं। घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर, ये चारों को कहते हैं, कॉमन नेम है जानवर। तो जानवर के घर में घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर, हो गया जानवर में जातियां है। अब दूसरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के घर में इंसान, क्षत्रिय घर में इंसान, वैश्य के घर में भी इंसान, शूद्र के घर में भी इंसान। बुद्ध कहते हैं इंसानों में जातियां नहीं होती है, कर दिया प्रयोग करके बताया, जातियों में, इंसानों में जातियां नहीं होती, जानवरों में जातियां होती है। ब्राह्मणों ने जानवरों की व्यवस्था इंसानों पर लाद दी, थोप दी, ब्राह्मण महान है। और हम लोगों ने ब्राह्मणों की, जानवरों की व्यवस्था स्वीकार की, हम ब्राह्मणों से थोड़ा ज्यादा महान है। हम अपने जाति पर गर्व करते हैं, अरे हम अहिर है, यादव है, गर्व है, कुर्मी है, कुशवाहा है, गर्व है, दोसाध है, गर्व है, चमार है, गर्व है, अरे जानवर होने में कोई गर्व है? जानवर होने में सारा कोई गर्व है? हमारे लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ग्रेजुएट आदमी के पल्ले नहीं पड़ता, बाकी को तो छोड़ो, ग्रेजुएट आदमी के पल्ले नहीं पड़ता।
तो ब्राह्मण लोगों ने जब हमको जानवरों की व्यवस्था थोपा तो गाय को माता कहता है। कुशवा जी कहता है गाय को माता कहता है और हम इंसान को सला इंसान भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हमने जानवरों की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। जब हम ही विरोध नहीं करेंगे, हम ही स्वीकार करेंगे, तो ब्राह्मण का काम ब्राह्मण थोड़ी कर रहा है। ब्राह्मण का काम तो हम घर बैठे बैठे हम ही कर रहे हैं। ब्राह्मण का काम ब्राह्मण नहीं कर रहा है, ब्राह्मण का काम तो हम कर रहे हैं। जब हम जाति का गर्व करते हैं तो हमें समझ में भी नहीं आता कि हम अपनी गुलामी को ढो रहे हैं, अपनी गुलामी को मजबूत कर रहे हैं, अपने गुलामी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता। इसलिए साथियों, हम लोगों ने इस अभियान का लक्ष्य रखा कि 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोग हैं। बटे हुए लोग नहीं है, हम बटे हुए लोग नहीं, भी ध्यान रखो, बांटे हुए लोग हैं। ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं, बटे हुए लोग नहीं है। और अगर बांटे हुए हैं तो इसके लिए उनको जगाना होगा। 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोगों को जगाना होगा, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़े हुए लोगों से शक्ति का निर्माण करना होगा और निर्मित शक्ति का उपयोग और प्रयोग आजादी हासिल करने के लिए करना होगा। हम अपने दिमाग में स्पष्ट है क्या करना है, हम अपने दिमाग में स्पष्ट है। ये आजादी की लड़ाई बिहार की लड़ाई नहीं है, भारत की लड़ाई है। आजादी की लड़ाई अकेले बिहार की लड़ाई नहीं है, भारत की लड़ाई है। और भारतव्यापी संगठन होगा तो आपका मामला हल होगा। अगर भारतव्यापी संगठन नहीं होगा, आपका मामला हल होने वाला नहीं है। आप रीजनल पार्टियों के पीछे चक्कर में पड़े हुए हो, एक अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में घुस गया था, घुसना जानता था, निकलना नहीं जानता था। हमारे लोग जो है घुसे हुए हैं, निकलना नहीं जानते। हमारे पुरखे जानते थे, उसी का विचार लेकर आ रहा हूं। मेरा कोई अलग आंदोलन नहीं, हमारे पुरखों का आंदोलन। तो ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य ये है कि आज बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहा है, ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है। और ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी होती है। आप जब वोट डालने के लिए जाते हो, बटन दबाते हो, लाइट जलता है, बिप का आवाज होता है, और उसके बाद वोट जब ईवीएम में जाता है, आपने राम नारायण को वोट दिया, राम प्रसाद के नाम पर जमा हो जाता है। आप जिसको विधायक चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, जिसको चुनना नहीं चाहते वही विधायक बन जाता है। यह ईवीएम का चमत्कार। आप लोग सोचते होंगे कि राम नारायण को दिया हुआ वोट राम प्रसाद के नाम पर जमा होता है, आप कह रहे हो क्या सबूत है? बगैर सबूत से थोड़ी बोलता हूं, मुझे बगैर सबूत से बोलने की आदत नहीं है। सबूत जितने हैं उतने ही बोलता हूं। मेरे पास इतने सबूत है ईवीएम के, 8 घंटे बोलना पड़ेगा। तो मेरे वकील को कहा 8 घंटे मेरे लोगों को परेशान नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने 8 घंटे बहस कर लेना, मैं महत्वपूर्ण बातें मेरे लोगों को बताऊंगा सबूत के साथ। पहला सबूत आपको बता कि ईवीएम में वोट दूसरे के नाम पर कैसे जमा होता है। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ। अमरावती में प्रोफेसर राणे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने बूथ पर अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को वोट डालने के लिए लेके गए, बीवी को लेके गए और सभी ने उनको वोट डाला। जब गिनती हुई 0 वोट निकला, गिनती हुई 0 वोट निकला, उसने पत्रकारों को बुलाया, पत्रकारों को कहा
पत्रकारों को कहा, मेरे पड़ोसियों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे समर्थकों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, चलो मैं मान निकल तैयार। इतना ही नहीं, मेरे बीवी ने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा। कभी कभार जिंदगी में मैंने मेरे बीवी को झापड़ झूपड़ मारा होगा, मुझे तो याद नहीं है। मगर मारने वालों को याद नहीं रहता है, झप्पड़ खाने वालों को याद रहता है। इसलिए मेरे बीवी ने याद रखा होगा और सोचा होगा प्रोफेसर को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, और उसने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा, चलो ये भी तस्लीम करने के लिए मैं तैयार, ये भी मैं स्वीकार करता हूं। मगर मैं प्रोफेसर हूं, बुर्बक नहीं हूं, गधा नहीं हो, मूर्ख नहीं हो कि अपने आप को वोट नहीं डालूंगा। मैंने अपने आप को ही वोट डाला, डिस्प्ले बोर्ड पर देखा कि मैंने अपने आप को ही वोट डाला, और जब वोट ईवीएम मशीन में गया और गिनती हुई, जीरो वोट निकला। अरे कम से कम प्रोफेसर को एक वोट तो निकाला जाता, कम से कम एक वोट तो निकाला जाता। पत्रकारों ने प्रोफेसर को कहा, हाँ हाँ कम से कम एक वोट जरूर आपको निकाला जाना चाहिए था, हमारी पूरी सहानुभूति आपके प्रति है, मगर हम कुछ कर नहीं सकते। प्रोफेसर ने सोचा, अरे ये पत्रकार सहानुभूति परोस रहे हैं, अगर उन्होंने अचार परोसा होता तो साला कम से कम चाट लेता, क्योंकि अचार नमकीन होता है, ये पता ही नहीं है सहानुभूति साली नमकीन होती है, खट्टी होती है, मीठी होती है, पता ही नहीं है। कम से कम अचार का पता होता इसलिए कम से कम चाट लेता, मगर उन्होंने भी अचार नहीं परोसा। वहाँ से उसने मुझे टेलीफोन किया, मिश्राम जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन कर दे, पैसा भर दे, सारे बूथ का डाटा मांग ले विधानसभा का। उसने ऐसे ही किया, अधिकारी ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने स्टैंप और साइन लगाकर सारे बूथ का डाटा दे दिया। जब सारे बूथ का डाटा दे दिया, अधिकारी ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने, ध्यान रखो, जब सारे बूथ का डाटा चुनाव आयोग के अधिकारी ने दिया, इसका मतलब चुनाव आयोग ने दिया, तो जिस बूथ पर जीरो वोट निकला वो भी अधिकारी ने लिख कर दिया। तो हमारे पास ईवीएम मशीन में वोट गायब हो जाता है, दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, किसी और कैंडिडेट के नाम पर जमा किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, भारत में एक आदमी के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ईवीएम में वोट गायब हो जाता है या दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। भारत में केवल एक आदमी के पास एविडेंस है, किसी के पास नहीं है, और ये एविडेंस मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। और इसलिए साहब ये इस बात का एविडेंस है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के द्वारा निर्माण की हुई सबसे बड़ी अदालत, ये कोई मोतीहारी की मैजिस्ट्रेट की कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अदालत, और उसके ऊपर कोई अदालत नहीं। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज है, फ्री का मतलब स्वतंत्र चुनाव ईवीएम नहीं कर सकते, फेयर का मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी चुनाव नहीं कर सकते। ये शब्दों का आपको अर्थ समझना बहुत दिक्कत है, मैं आपको बहुत आसानी से एक शब्द बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है, एक शब्द
सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है ईवीएम मशीन ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती। इसका मतलब है घोटाला करेगी, बेईमानी करेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पैरा नंबर 28 में जजमेंट लिखा कि 2014 का चुनाव केवल ईवीएम मशीन के द्वारा नहीं होगा, उसको पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी। ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली मशीन, पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन। तो घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाकर 2014 का चुनाव करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 28 में निर्णय दिया। ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पढ़े लिखे लोगों को खबर नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, अनपढ़ लोगों को खबर नहीं, ये कह रहा हूं पढ़े लिखे लोगों को खबर नहीं है। क्यों नहीं है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अभी तक भारत के मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दी हुई जजमेंट की एक भी खबर नहीं छापी अभी तक। जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी कोई खबर नहीं दिया अभी तक, तो पढ़े लिखे लोगों को जानकारी कहां से होगी? क्यों जानकारी नहीं दी गई? इसलिए क्योंकि अगर यह जानकारी दी गई कि 2014-13 के निर्णय में अगर जानकारी दी गई कि ईवीएम में घोटाला होता है, तो लोगों को मालूम हो जाएगा 2004 में घोटाला हुआ, 2009 में घोटाला हुआ, और 4 और 9 में घोटाला करके कांग्रेस ने चुनाव जीता, ये लोगों को मालूम हो जाएगा। इसलिए मीडिया ने इस खबर को दबा दिया। और जब ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाया, तो 23-16 मई 2014 को चुनाव के नतीजे जाहिर हुए और बीजेपी को 31% वोट मिले। 31% वोटों के आधार पर बीजेपी को 283 सीटें मिली। याद करो, हमने पूर्व इतिहास का अध्ययन किया और पता किया कि किसी राजनीतिक दल को 31% वोटों के आधार पर 272 सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत मिला। तो हमें पता चला अध्ययन में किसी भी राजनीतिक दल को 31% वोटों के आधार पर साधारण बहुमत भी नहीं मिला, मगर बीजेपी को साधारण बहुमत से 11 सीटें और ज्यादा मिली। सिद्ध हो गया घोटाला हुआ। हमने जून 2014 में इसके विरोध में अभियान शुरू कर दिया। चुनाव आयोग को मैंने लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया था 2014 के चुनाव में, चुनाव आयोग ने क्यों नहीं लगाया? तो चुनाव आयोग ने मुझे जवाब दिया, लिख कर दिया, नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदी करने के लिए पैसा नहीं दे रहा। मैंने अच्छा, नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा, उसके बाप की ट्रेजरी है, भारत सरकार की ट्रेजरी, प्रधानमंत्री उसका मालिक नहीं होता है, वो केवल ट्रस्टी होता है। पार्लियामेंट में बजट पास करने के बाद ही वो पैसा खर्चा करने का अधिकारी होता है, वो ट्रेजरी का मालिक नहीं होता है, जैसे टाटा बिरला अंबानी अपने पैसे का मालिक होता है। मैंने चुनाव आयोग को कहा कैसे पैसा नहीं देता है नरेंद्र मोदी? अच्छा,
पैसा नहीं, अच्छा देखता कैसे देता नहीं। केंद्र सरकार के विरोध में केस दाखिल कर दिया, काल्पनिक नहीं है, एक लिखे सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस दाखिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया, नोटिस इश्यू करने के बाद नरेंद्र मोदी ने 3,567 करोड़ रुपया मंजूर किया पेपर ट्रेल मशीन खरीदी करने। और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया, 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। तो आपने 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगी हुई देखी होगी, किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे ने नहीं लगाई, वामन मेश्राम ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने अगर मेरे फेवर में जजमेंट दिया तो इससे एक बात का अंदाजा तो आपको हो गया होगा कि मेरे पास ऐसे सबूत है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। इतना तो समझ में आ गया होगा, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा। मेरी एक केस और पेंडिंग है और अभी तक चुनाव आयोग ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूं ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। किसी राजनीतिक दल में औकात है ऐसा कहने की? है किसी राजनीतिक दल में औकात? कोई कह सकता है किसी राजनीतिक दल में औकात नहीं है? मैंने चुनाव आयोग को कहा कि मैंने आपको चोरों का सरदार कहा तो आपको बुरा लगा होगा, तो आप मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर लो। अभी तक दाखिल नहीं किया। सैयद सुजा ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने दिल्ली में एफआईआर दाखिल कर दिया। मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं, मैं लंदन में नहीं, मैं मोतिहारी में हूं। मोतिहारी बिहार में है, बिहार भारत में है। मैं भाग के लंदन नहीं गया हूं, मैं न्यूयॉर्क नहीं गया, मैं इधर छू। तो मेरे खिलाफ भी एफआईआर दाखिल कर लो। सैयद सुजा पर एफआईआर दाखिल कर रहे हो, मेरे खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हो? चुनाव आयोग मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं कर सकता, उसको मालूम है हमारी केस सुप्रीम कोर्ट में है और हमने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, साला एफआईआर कैसे दाखिल करे? जब हमारे सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं है तो कानून की भाषा में वो हमारे खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं कर सकता। मैं केस कर सकता हूं, कर दिया, मैं केस कर सकता हूं, कर दिया, वो मेरे खिलाफ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, माइक पर कह रहा हूं। और ये देख रहे हो, ये टीवी, MNTV टीवी पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये टीवी है, ये चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑफ रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। क्यों? मेरे पास सबूत है, इसके आधार पर बोल रहा हूं, एक नहीं बहुत सारे। और उनको 2023 में, 2019 में पेपर ट्रेल मशीन लगानी पड़ी। और पेपर ट्रेल मशीन जब लगाई तो हमने देखा कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के साथ मिलकर 2013 में बीजेपी के साथ मिलकर पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती रोकने के लिए 56C, 56D, 49MA ये तीन रूल बनाए।
प्रपोजल चुनाव आयोग ने भेजा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास, चुनाव आयोग ने प्रपोजल भेजा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कांग्रेस ने वो प्रपोजल स्वीकार किया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ईवीएम का घोटाला पकड़ने के लिए पेपर ट्रेल से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती होनी चाहिए, चुनाव आयोग ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने गठबंधन करके और रूल खत्म कर, वो ऑर्डर खत्म कर दिया और पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती पर पाबंदी लगा दी, कांग्रेस ने लगाया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस चचेरे चचेरे मौसेरे मौसेरे भाई भाई है। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। एक आदमी मेरे पास है, मेश्राम जी सारी बात समझ में आ गई, सारी बात हजम हो गई, ये कांग्रेस चचेरे चचेरे बीजेपी मौसेरे मौसेरे भाई भाई है, ये समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये अभी हजम नहीं हुआ, मैं अभी हजम होना गोली दे देता हूं, हजम हो जाएगा। मैंने उसको कहा तुमने धर्मेंद्र और प्राण की पुरानी फिल्म देखी? हाँ देखी। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमको हजम क्यों नहीं हुआ। तो उसने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के विरोध में लड़ती है, बीजेपी कांग्रेस के विरोध में लड़ती है। मैंने पूछा कहां लड़ती है? मैंने उसको कहां लड़ती है? तो उसने कहा अखबार में लड़ती है, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का कॉलर पकड़ रहा है और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का कॉलर पकड़ रहा है, ऐसा लड़ाई लड़ रहा है? ऐसा नहीं, अखबार में लड़ रहा है। हमारे लोगों को साली अखबार की लड़ाई समझ में नहीं आती। राजनीति बच्चों का खेल है, गिल्ली डंडू खेल लीजिए सब, जो आसानी से समझ में आ जाए। अगर आसानी से समझ में आ गया होता तो हम राजा नहीं होते, प्रजा क्यों है? तो मैंने उसको कहा कि तुमने धर्मेंद्र और प्राण की लड़ाई फिल्मों में देखी? फिल्म देखी? हाँ देखी। मैंने कहा देखो आपको समझाता हूँ, बॉम्बे में शूटिंग होती है, डायरेक्टर धर्मेंद्र को कहता है कि प्राण को ऐसा ध्यान रखो, एक इंच दूर रहना चाहिए प्राण साहब से। धर्मेंद्र एकदम ऐसा मारता है। तो प्राण क्या करता है फिल्म में देखा होगा आप लोगों ने, करते ही नहीं आता। फिर डायरेक्टर बोलता है प्राण साहब ऐसा ही मुक्का धर्मेंद्र को मार। तो प्राण धर्मेंद्र को ऐसा मुक्का मार, धर्मेंद्र भी ऐसा ऐसा कर। मैंने इसको कहा ऐसा देखा। फिर डायरेक्टर कहता हाँ शूटिंग थोड़ी देर के लिए स्थगित, प्राण कुर्सी पर बैठे और इधर धर्मेंद्र बैठे, बीच में टेबल है, डायरेक्टर है दो कॉफी आ गई। प्राण कॉफी पीते पीते धर्मेंद्र को कहता है अरे यार धर्मेंद्र तू जवान आदमी है यार, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तू मुक्का मारते हो ध्यान रखा कर एकदम यार यहाँ तक पहुँचा देता है और मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊँगा यार, तू ध्यान रखा कर, नौटंकी है ये, नाटक है ये, मनोरंजन करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, अगली सिनेमा भी तेरे साथ विलन का रोल मुझे करना है, तो ध्यान रखा कर मैं जीवित रहना चाहिए नहीं तो अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। प्राण धर्मेंद्र को कहता है नौटंकी है नाटक है और मनोरंजन करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो कांग्रेस बीजेपी के विरोध में लड़ रही है प्राण की तरह और धर्मेंद्र की तरह कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है और दोनों मिलके टेबल पर फिर चाय पी रहे हैं कॉफी पी। उसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस पार्लियामेंट में जब कानून पास करने का समय आता है तो बीजेपी कांग्रेस को कह दे राज्यसभा में कुछ सीटें कम पड़ रही है, सोनिया जी जरा हमारा समर्थन कर देना। सोनिया जी कहती है कि अब हमारी सरकार है तो बीजेपी के लोगों को हमको समर्थन करना चाहिए, कहा कि ऐसा करेंगे तो लोगों को मालूम हो जाएगा,
तो कहा, सोनिया कहती है जेटली को, अडवाणी को, कोई रास्ता निकालिएगा। रास्ता है, क्या रास्ता है? कि हम बहिष्कार करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, आपको बहुमत मिल जाएगा, पास कर लेना। पार्लियामेंट में बीजेपी के बिल कांग्रेस पास कर रही है, कांग्रेस के बिल बीजेपी पास कर रही है। ट्रिपल तलाक का कैसे पास हुआ? मुसलमानों को पूछो तो, पूछ लो तो पता चलेगा। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, राजनीति बच्चों का खेल थोड़ी है जो इतने आसानी से समझ में आ जाएगा। साथियों, उदाहरण के लिए बताया, तो मैंने उसको कहा, अभी तेरे बल्ले पड़ा, अभी तेरे समझ में आ गया, ये जो अखबार की लड़ाई है, ये अखबार की लड़ाई हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को गधा बनाने की लड़ाई है, ताकि हमें लगे कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तब न हम कांग्रेस बीजेपी को वोट डालेंगे। हमारी ही वोटों से तो ब्राह्मणों की पार्टियां चुनकर आती है, 3.5% ब्राह्मण, 5 नेशनल लेवल की पार्टियां। कितने लोगों को पता है, कितने पढ़े लिखे लोगों को 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है? अभी हमारे एक साथी ने कहा 3 है, 3 नहीं 5 है, कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, कांग्रेस, ब्राह्मण। दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमरुडांगे, कोकणस्थ ब्राह्मण। तीसरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नंबूदरी प्रात ब्राह्मण, केरला का। चौथा भारतीय जनता पार्टी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण। और पांचवी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है, रिकॉग्नाइज पार्टियां है। हमारे लोगों को पता नहीं है, हम बांट जाते हैं, हम लोग बटे जाते हैं, हमारे वोट जो है बांट लेते हैं और हम बटे रहते हैं, और इस तरह से हमारे लोगों को गधा बनाने का कार्यक्रम चलते रहता है। और इस तरह से हमारे लोगों को जब गधा बनाया जाता है तो वो अपना राज चलाते रहते हैं, हमारे भविष्य का फैसला खुद करते हैं, हमारे गुलामी का फैसला वही करते हैं। 23 मई 2019 को रिजल्ट आया, क्विंट के सोशल मीडिया ने इलेक्शन कमीशन के साइट का डाटा विश्लेषण किया, आउट ऑफ 543 में से 373 लोकसभा की सीटों में से 220 लोकसभा की सीटों में 54 लाख से ज्यादा वोट निकाले गए, 220 लोकसभा में 54 से ज्यादा लोग, 54 लाख से ज्यादा वोट निकाले गए। है किसी को पता? 54 लाख से ज्यादा वोट निकालने का मतलब है घोटाला हुआ, 153 जगह कम वोट निकाले गए, कम निकालना ज्यादा निकालना घोटाले का सबूत है, और इस महीने के एंड तक सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस चली जाए, दूसरी केस और। साथियों, इस तरह से ये घोटाला किया गया। आखिरी बात बता दो, बहुत भयंकर बात है, आप सुनकर हैरान हो जाओ। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी को लेटर लिखा, कितनी ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को दी? कंपनी ने लिख कर दिया 40 लाख। उसने बाद में पूछा चुनाव आयोग को, मशीन कितनी है आपके पास? कहा 20 लाख। तो आरटीआई कार्यकर्ता को जानकारी मिली कि चुनाव आयोग के पास 20 लाख मशीन है, कंपनी ने 40 लाख दिया, इसका मतलब है 20 लाख मशीन मिसिंग है। तो उसने वीडियो प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में दिखाया कि जो मशीनें गायब है उस पर चुनाव होगा, चुनाव आयोग के पास जो मशीनें हैं उस पर चुनाव नहीं होगा। आप सोचते होंगे सर भयंकर बात है, कोई सबूत है? आप सोचते हो कोई सबूत है? सबूत है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे, उसका भाई मुख्तार अंसारी डॉन है ऐसा कहते हैं, हमें मालूम नहीं है, मगर उसके हथियारबंद दस्तों ने मिसिंग मशीन का ट्रक पकड़ा,
सोशल मीडिया में सारे पिक्चर आउट हो गए और उसने उस मिसिंग मशीन के ट्रक को काउंटिंग सेंटर पर आने नहीं दिया। अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। अखिलेश यादव और मायावती मिसिंग मशीनों के ट्रक पकड़ नहीं पाए, वो हार गए। अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। इसका मतलब है मिसिंग मशीनों पर चुनाव करवाएंगे। सबूत नंबर एक। सबूत नंबर दो, नागपुर में नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे थे, उसके खिलाफ नाना पटोले चुनाव लड़ रहे थे। उसके पास एक डिवाइस था, उस डिवाइस में रिकॉर्ड था लोगों ने जिन मशीनों पर वोट डाला उसके सीरियल नंबर थे मशीन के। जब काउंटिंग शुरू हुई तो सीरियल नंबर की मशीनें गायब थी जिस पर लोगों ने वोट डाला। जिन पर लोगों ने वोट नहीं डाला ऐसी मशीनें काउंटिंग सेंटर पर लाई जा रही थी और ये मशीनें कलेक्टर ला रहा था। कलेक्टर के साथ नाना पटोले का झगड़ा हुआ, कलेक्टर ने नहीं माना, वो तो ऊपर के आदेश पर अमल कर रहा था। उसने नागपुर हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया। 4.5 महीने हो गए अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा वकील गया, अभी नागपुर हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को 15 दिन में जवाब दो। मैं दावे के साथ बोलता हूं चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। दूसरा सबूत, साथियों अभी अखबारों में खबर छपी होगी, कन्नन गोपीनाथ आईएएस अधिकारी कलेक्टर रिटायर्ड इस्तीफा दे दिया। उसने कहा मैंने चुनाव कंडक्ट करवाया, मैं जानता हूं घोटाला होता है, मैं इस घोटालेबाज सरकार के साथ रहना नहीं चाहता। बाबू की नौकरी नहीं थी, आईएएस अधिकारी कलेक्टर था, कोई आदमी बाबू की नौकरी नहीं छोड़ सकता। उसने कलेक्टर को रिजाइन दे दिया कि बेईमानियों के साथ नौकरी नहीं कर सकता। कन्नन गोपीनाथ, अभी करंट बात है, उसने कहा मैं खुद इलेक्शन कंडक्ट किया हूं, मैं खुद जानता हूं ईवीएम में घोटाला होता है। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं। साथियों आखिरी बात, ईवीएम मशीन के दो मकसद। पहला मकसद एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वोट के अधिकार को खत्म करना, क्योंकि अब लोग जागृत हो गए हैं, आसानी से वोट डालने के लिए तैयार नहीं है, अपने हक और हित की बात समझ रहे हैं, इसलिए अब इनको मैनेज करना मुश्किल हो गया है, इसलिए इसके अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। ये संवैधानिक अधिकार है, खत्म नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। आप जिसको चुनना चाहते हैं चुनकर नहीं ला सकते, आप जिनको चुनना नहीं चाहते वही चुनकर आता है। इसका मतलब है आपका वोट वैल्यू जीरो, आपका वोट वैल्यू जीरो, आपका वोट वैल्यू जीरो हो गया, जीरो कर दिया। दूसरा मकसद, रीजनल पार्टियों की वजह से कांग्रेस और बीजेपी परेशान है। केंद्र में 77 के बाद कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल पार्टी के मदद के बगैर नहीं बन सके, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों परेशान है, इसलिए दोनों ने गठबंधन किया। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने गठबंधन किया। गठबंधन करने का मकसद रीजनल पार्टी को समाप्त करना। 2014 में मायावती के 0 सांसद चुनकर आए, डीएमके करुणानिधि के 0 सांसद चुनकर आए, शिबू सोरेन के झारखंड में 0 सांसद चुनकर आए, दुर्गा मरांडी के सांसद 0 चुनकर आए, अजीत सिंह के सांसद 0 चुनकर आए 2014। 2019 में लालू जी 0 हो गए ना, है? नहीं जानते लालू जी का एक भी सांसद चुनकर नहीं। 14 में मायावती का नहीं है, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। इसका मतलब यह है, और हैरान करने वाली बात, लालू जी के समर्थन से कांग्रेस ने बिहार में चुनाव लड़ा, कांग्रेस का आदमी चुनकर आया, लालू जी का नहीं आया। बड़ी सारी हैरान करने वाली बात है।
कांग्रेस अपने बलबूते पर बिहार में कभी चुनाव नहीं लड़ जीत सकती। अगर ऐसा है तो कांग्रेस कैसे चुनाव जीत गई? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है ईवीएम घोटाले में, लालू का और बीजेपी का गठबंधन नहीं है। समझने की कोशिश करो। और दो बातें, जीरो किसके चुन कर आए? लालू जी के। तो लालू जी के, तेजस्वी जी के, इनके पार्टी के जीरो चुन कर आए, इनको ईवीएम के विरोध में लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। हम लड़ रहे, लड़ना चाहिए उनको, हम लड़ रहे, क्योंकि दो बड़े खतरे हैं रीजनल पार्टियों के सामने। पहला खतरा क्या है? कल वोटर आपको बोलेगा, आरजेडी को कल वोटर बोलेगा, क्या बोलेगा? तुम हम आपको वोट देते हैं, हमारे वोटों की सुरक्षा नहीं करते हो, आपको वोट क्यों दें? हम आपको वोट दे देते, ईवीएम में जाके चोरी हो जाता है, आप वोटों की सुरक्षा करते नहीं हो, हम आपको वोट क्यों दें? वोट देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वोटों की आप सुरक्षा कर नहीं रहे हो। वोटर कल ऐसा बोल सकता है। दूसरा, कैंडिडेट ऐसा कह सकता है जब वोटों की सुरक्षा नहीं होगी तो आपके पार्टी का टिकट लेंगे, फिर भी ईवीएम में हार जाएंगे, तो टिकट लेकर 1 करोड़ रुपया खर्चा करना तो बर्ताव बर्बाद करना है, ईवीएम में तो हार जाएंगे। तो कैंडिडेट जहां ईवीएम का घोटाला कर सकते हैं उस पार्टी में जाएगा। कौन पार्टी कर सकती है? तो कांग्रेस कर सकती है, तो बीजेपी कर सकती है। इसका मतलब है रीजनल पार्टियों को समाप्त करने का एक तकनीक डेवलप किया गया है कि लोग वोटर भी कांग्रेस बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए और कैंडिडेट भी कांग्रेस बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए और रीजनल पार्टियां समाप्त हो। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, वो हमारे नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, बात अलग है। परिस्थितियां बहुत गंभीर है, आने वाले समय में इस परिस्थिति को बदलने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा। रीजनल पार्टी के नेताओं को हम सारी बातें समझा रहे हैं, उनको बातें समझ में भी आ रही है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रही, समझ में आ रही है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग जिस आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की, इस आंदोलन में ईवीएम को हटाने वाले आंदोलन में, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमल करने के आंदोलन में, या बैलेट पेपर लागू करने के आंदोलन में आप लोग भविष्य में साथ सहयोग करोगे? जो करोगे हाथ खड़ा करें। चलो, सभी लोग साथ सहयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है 50% आंदोलन सफल हो गया है। 50% रह गया है। जिस तारीख को आंदोलन शुरू होगा उस तारीख को आप आंदोलन में हाथ खड़े करने के हिसाब से आप शामिल हो जाइए और अपने और लोगों को भी तैयार करिए। ईवीएम कैसे ख़त्म नहीं होता है हम आपको बताते हैं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करें। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति जनशक्ति होती है, जनशक्ति के सामने दुनिया में किसी की शक्ति नहीं चलती है, ये बात ध्यान रखना होगा और आंदोलन में साथ सहयोग करना होगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।